नमस्कार बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी पूंजी जैसे एक योजना के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ी धोखाधड़ी हुई। यह बात ब्रिटेन की एक अदालत में कही गई। अदालत इससे जुड़े प्रत्यर्पण मामले में अंतिम दौर की सुनवाई कर रही थी। दो दिवसीय सुनवाई का यह दूसरा दिन था। नीरव मोदी ने साउथ वेस्ट लंदन के वॉन्सवर्थ कारावास के अपने कमरे से वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में हिस्सा लिया। एयरलाइन कंपनियों को अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स की सिर्फ 20% सीटों का किराया मैक्सिमम और मिनिमम फेयर के बीच वाले किराए से कम रखना होगा। सरकार की तरफ से हुई कम किराए वाली ऐसी सीटों की व्यवस्था 24 फरवरी को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब यह 31 मार्च तक लागू रहेगी। शेयर बाजार में रिलायंस और टीसीएस के बीच मार्केट कैप का अंतर घटकर 55,000 करोड़ हो गया है। पिछले साल सितंबर में यह लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए था। दिसंबर तिमाही के लिए टीसीएस ने जो नतीजे जारी किए हैं उसके मुताबिक स्टैंड अलोन आधार पर कंपनी का प्रॉफिट 20% से ज्यादा बढ़ा है। दुनिया भर के लोग तेजी से स्मार्ट डिवाइसेस को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर रहे हैं। Xiaomi की एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि मार्च 2020 से स्मार्ट होम प्रोडक्ट खरीदने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। सर्वे में सामने आया है कि 70% उपभोक्ताओं ने महामारी के दौरान घर पर अधिक समय बिताने के कारण अपने आसपास के वातावरण में बदलाव किया। शीर्ष आर्थिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकारी कंपनियों के निजीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने पीएम को अंतर्राष्ट्रीय पंचायतों के फैसलों को चुनौती देने से बचने और देश में ढांचागत निवेश में बढ़ोतरी करने की भी सलाह दी। अर्थशास्त्रियों ने इन सभी कदमों को निवेशकों का विश्वास लौटाने के लिए आवश्यक बताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।